हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल हेलो पैसा। चलिए बात करते हैं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। बहुत दिन के बाद एक आईपीओ आने जा रहा है, नाम है आईआरएम एनर्जी। ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे वर्क करती है। और चलिए बात करते हैं फिर आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ जो है 18 अक्टूबर को ओपन होने वाला है, जो 20 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर और प्राइस बैंड रखा गया 480 to 505 रुपये पर शेयर। 29 शेयर इसको लॉट रहने वाला है और यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 48 रुपये पर शेयर है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो है उनके लिए एक बेनिफिट है अलग से। और जो लिस्टिंग होगी वो BSE और NSE की साइट पे होगी। अब बात करें अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट 27 अक्टूबर को होने वाला है, फ्राइडे को। रिफंड्स 27 अक्टूबर को ही हो जाएंगे और लिस्टिंग डेट जो है 31 अक्टूबर है। यहाँ पे आईआरएम एनर्जी आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो वो है QIB के लिए 50%, रिटेल्स के लिए जो रिटेलर है हमारे उनके लिए 35%, और HNI जो बिग HNI उनके लिए 15% है। तो यहाँ पे रिटेलर का पोर्शन सो उतना का उतना ही रखा है, तो एक अच्छा चांस बनता है, यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। तो आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है वो हमें पता चलेगा कि GMP कैसा है, मार्केट में डिमांड कैसी है, उसके बाद फंडामेंटल कैसे हैं कंपनी के, फाइनेंशियली कैसी है। तो चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के जो कंपनी ने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं लास्ट 2020 से 2023 तक का। अगर बात करें एसेट्स की, तो कंपनी के एसेट्स लगभग 2020 में थे 267 करोड़, जो 23 में पहुंच चुके हैं 838 करोड़। मतलब कि इंक्रीमेंट अच्छा है एसेट्स में। रेवेन्यू भी लगातार ग्रोइंग है, यहाँ पे 166 करोड़ से 248 करोड़ पहुंच चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2020 में था 21 करोड़, और उसके बाद 21 में हुआ 34.89 करोड़। फिर बढ़िया जंप देखने को मिला 21-22 के बीच में, 128 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कमाया कंपनी ने। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो कंपनी ने यहाँ पे कोई भी ग्रो नहीं दिखाया, बल्कि डिक्लाइनिंग यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉफिट दिखाया है। 23 में लगभग आधा इसका प्रॉफिट हो गया 63 करोड़, और उसके बाद फिर यहाँ पे आधे से भी कम हो गया 23 से 26.91 करोड़, जो एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए यहाँ पे। अब उसके बाद करें नेटवर्थ की बात, तो नेटवर्थ यहाँ पे 74.474 करोड़ था 2020 में, उसके बाद वो वहाँ यहाँ पे बढ़ के पहुंच चुका है 373.33 करोड़। मतलब नेटवर्थ में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे इन्होंने 2020 तक दिखाया है, 2020 से 2022 तक दिखाया है, जो 30.31 करोड़ से अच्छा खासा जंप दिख रहा है, 193.3 करोड़ पहुंच चुका है। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो यहाँ पे बोरोइंग्स भी लगभग डबल हो चुकी कंपनी की, जो थोड़ा बहुत निगेटिव पॉइंट यहाँ पे बनता है। 146 करोड़ था 2020 में, अब हो चुका है वो 321 करोड़, जो थोड़ा बहुत निगेटिव पॉइंट बनता है एक आईपीओ के प्रोस्पेक्टस से देखें अगर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करें कुछ जो इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, तो पी यहाँ पे जो है जिस वैल्यूएशन पे आ रहा है वो 24.13 है, एक ठीक ठाक वैल्यूएशन है। मार्केट कैप जो होगा वो 2073 करोड़ हो जाएगा, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 18.23% है, जो कि एक ठीक ठाक कह सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी है, अच्छा है। ROCE की बात करें तो 14.19 है, ठीक ठाक है ऑन एवरेज। डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसर्न बन सकता है 0.93, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से नीचे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0.93 है, थोड़ा हायर साइड है। और EPS की बात करें तो 20.93 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.23%। ओवरऑल अदर फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के। यहाँ पे एक कंसर्न बनता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि प्रॉफिट जो कंपनी ने बनाया है वो पिछले 2 साल से डिक्लाइन ही है। और एक कंसर्न बनना है यहाँ पे डेट का, जो डेट लगातार ग्रोइंग है बहुत ज्यादा। आरएम एनर्जी लिमिटेड का कंपैरिजन देखें अगर, कि किन कंपनियों से इनका कंपटीशन है आने वाले टाइम में, तो सबसे पहले आती है गुजरात गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, अडानी टोटल गैस। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। उसके बाद आरएम एनर्जी लिमिटेड आती है,
तो यहाँ पे ईपीएस बेसिक्स वगैरह सब अच्छे हैं। सिर्फ यहाँ पे देखा जाए तो महानगर गैस लिमिटेड का ईपीएस काफी ज्यादा है, तो ओवरऑल ये कोई कंसर्न नहीं बनना है यहाँ पे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें वो भी सब लगभग 18-19-20 के बीच में है, तो सबका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है। पी वैल्यू की बात करें तो थोड़ा यहाँ पे कंसर्न बनना है कि जो आरएम एनर्जी है वो 24 के आसपास आ रहा है, बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे गुजरात है, इंद्रप्रस्थ है, महानगर है, ये सब 18-19-12 पी के आसपास है। अडानी टोटल गैस जो है वो बहुत महंगे वैल्यूएशन पे अभी कंपनी चल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट के मतलब कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिस्टिंग गेन के पर्पज से देख रहे हैं, तो वो तो हमें पता चलेगा कि मार्केट माहौल कैसा है और इसका जीएमपी कैसा है। चलिए देखते हैं। बात करें जीएमपी की तो वो चल रहा है 72 रुपीज, 14.26% पे ट्रेड कर रहा है अभी, जो 100+ था अभी 2-3 दिन पहले, और ये धीरे धीरे अब नीचे आ गया है। जैसे जैसे इसका आईपीओ ओपन होने जा रहा है तो थोड़ा सा डाउटफुल है, देख के संभल के फिर ही इसमें बिड लगाएं, क्योंकि 18, 19, 20 एक बार देख लें इसका सब्सक्रिप्शन कैसा आता है, कैसा डिमांड रहता है, फिर 19-20 में हम इस पे एक डिसीजन बना सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोस।